तो आज जो हम नेक्स्ट कमांड करेंगे ना, उसके अंदर जो आपके पास कमांड होती है, रेक्टेंगल की कमांड होती है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे पहले जो हमने जो रेक्टेंगल बनाया था वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर हमने ऑर्थो मोड या लाइन के थ्रू ही उसको बनाया है, ठीक है। किंतु इसके अंदर ना आपके पास एक रेक्टेंगल की डायरेक्ट कमांड होती है, आप डायरेक्ट रेक्टेंगल को लगा सकते हो। यहाँ से आप रेक्टेंगल की कमांड को क्लिक करोगे, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपका जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही वो रेक्टेंगल कमांड आपकी स्टार्ट होती है तो नीचे आपके पास ऑप्शन आता है, ये पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी पहला आप कॉर्नर पॉइंट बताओ जहां से आप अपने रेक्टेंगल को स्टार्ट करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल कहीं जहां पर भी आपको अपने रेक्टेंगल को स्टार्ट करना है वहां पर क्लिक करना है नॉर्मली, और उसके बाद वो आपका रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको देखो विदाउट डायमेंशन के चाहिए तो आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, किंतु यहाँ पर ना नीचे अगर आप कमांड लाइन के अंदर देखते हो तो हमारे पास तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम रेक्टेंगल को लगा सकते हैं। सबसे पहला एरिया के थ्रू आप लगा सकते हो, डायमेंशन के थ्रू आप लगा सकते हो, और साथ के साथ हम रोटेशन के थ्रू भी हम इसको लगा सकते हैं भाई, ठीक है। तो हम बेसिकली जो नॉर्मली यूज करते हैं वो डायमेंशन के थ्रू लगाते हैं। तो यहाँ से हम डायमेंशन पे क्लिक करते हैं, जैसे आप डायमेंशन पे क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, यानी आपको लेंथ बताना है कि कितनी लेंथ का आपके पास जो रेक्टेंगल होगा। मान लो मुझे 100 बाई 80 का ही चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, तो यहाँ पर जो मैं लेंथ रख लेता हूँ वो 100 दी और एंटर करता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछता है विड्थ, यानी एंटर करने के बाद ही वो आपसे साथ में ही विड्थ पूछेगा, तो विड्थ हमें रखना है 80, एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हो तो आपकी स्क्रीन पर वो क्या करेगा, वहां पर एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह से। भी आपके पास वो क्या करेगा, एक रेक्टेंगल बना देगा वहां पर, ठीक है। अब यहाँ से ओरिजिन को हम शिफ्ट करा सकते हैं इधर की तरफ। अब ये भी उसने रेक्टेंगल बनाया। अब इसके अब डायमेंशन अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ से हमने डायमेंशन चेक की तो ये जो लेंथ रहेगी आपके पास वो 100 की रहेगी, एंटर, और यहाँ से आपके पास 80 का रहेगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास एक डायमेंशंस के थ्रू था। इसी तरह अगर आप रेक्टेंगल की कमांड सेलेक्ट करते हो और कहीं से भी, आप मान लो मैंने अब यहाँ से रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट किया है, अब इसको मैं बनाता हूँ एरिया के थ्रू, एरिया के थ्रू भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो एरिया के लिए आप पर्टिकुलर जिस भी यूनिट्स में आप काम कर रहे हो वो एरिया आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले तो ये आपसे पूछता है, जैसे आप एरिया पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कितने एरिया का आपको रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे 1000 यूनिट्स का या 1000 mm स्क्वायर में चाहिए, तो यहाँ से मैं 1000 यूनिट्स में आपका, यानी स्क्वायर मीटर होगा या फिर स्क्वायर फुट होगा, यानी जिस भी यूनिट यूनिट में आप काम करो उसके हिसाब से ये उठाएगा, एंटर करते हो। और यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा लेंथ। अब उसमें आपको एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा एरिया के लिए, या तो आप उसकी लेंथ को डिफाइन करोगे या फिर आप विड्थ को डिफाइन करोगे कि लेंथ कितनी रखनी है या फिर विड्थ कितनी रखनी है। मान लो मैं यहाँ से विड्थ दे देता हूँ, जो विड्थ है मुझे रखनी है 40 की, तो यहाँ पे मैं 40 अप्लाई करता हूँ, एंटर करूंगा। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर वो आपके पास क्या करेगा, एक रेक्टेंगल बना देगा डायरेक्ट वहाँ पर, जो इसके एरिया के हिसाब से होगी, ठीक है। यानी जो इसने ये विड्थ रखी है, ये हाइट जो रखी है, वो आपके पास कितनी रहेगी, मेरे पास 40 की रहेगी, और जो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी उसकी ऑटोमेटिक उसने उठाई है वो 25 हो जाएगी। यानी इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारे पास कितना होगा, 1000 का होगा। एरिया अगर आपको मेजर करना है तो आप यहाँ से कमांड लाइन के अंदर एरिया लिखोगे, एरिया आप टाइप करोगे और उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको चार पॉइंट जहां जहां से आपको एरिया डिफाइन करना है वो पॉइंट को पिक करना है, एंटर। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हो तो नीचे देखो कमांड लाइन के साथ ही यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1000 का एरिया और पैरामीटर, वो दिखा रहा है कि पैरामीटर इसका 130 होगा और 1000 का हमारे पास जो क्या था इसका एरिया था। तो यानी आप एरिया के थ्रू भी इसको लगा सकते हो। इसी तरह जो इसमें ना आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है रेक्टेंगल का, जैसे हम लगाते हैं एक रोटेशन का होता है। रोटेशन में क्या है कि आपको जो रेक्टेंगल चाहिए पर्टिकुलर किसी एंगल पर चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रोटेशन उसमें दे सकते हो। जैसे यहाँ पर वो रोटेशन एंगल पूछ रहा है, देखो ये रोटेशन एंगल वहां से उठाएगा जहां से आपने रेक्टेंगल को स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ, तो इसका रोटेशन एंगल कितना रखना है। मान लो मुझे 45 रखना है, एंटर किया। अब देखो मैं यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल बनाऊंगा वो आपके पास क्या रहेगा, 45 डिग्री के एंगल पर रहेगा, चाहे आप इसको ऐसे बना रहे हो, चाहे आप इसको ऐसे बना रहे हो, या फिर इस डायरेक्शन में बना रहे हो, तो आपके पास जो एंगल रखेगा वो कितना रखेगा, 45 डिग्री का आपके पास एंगल रखेगा यहाँ से। ये जो बनाया है, यानी इस लाइन के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर इस लाइन के बीच में एक एंगल होगा जो आपके पास 45 का होगा। अब आप जो भी डायमेंशन, ये जो भी आप रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करोगे वो पर्टिकुलर किसी एंगल पर ही आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रोटेशन को ऑफ करना पड़ेगा, 0, एंटर। अब ये नॉर्मली आपके पास विदाउट एंगल के चलेगा, ठीक है। तो तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास रेक्टेंगल लगाने के लिए, जब भी आप रेक्टेंगल कमांड को पिक करते हो। और जो रेक्टेंगल की शॉर्टकट की होती है आप टाइप करते हो REC, ठीक है। REC अगर आप कमांड लाइन के अंदर आप टाइप करते हो और एंटर करते हो वहां पर, तो
अभी वो क्या करेगा, रेक्टेंगल की कमांड स्टार्ट कर देता है। और देखो ना, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर तो हम क्या करते थे, वो वैल्यू कब आती थी आपके पास, जब यहाँ से कोई भी एक पॉइंट स्टार्ट करते हो तब हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर। किंतु उससे पहले अगर आप देखते हो यहाँ से, जैसे ही मैं रेक्टेंगल कमांड को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे ये चैम्फर का है, एलिवेशन का है, फिलेट का है, थिकनेस का है और विड्थ का है। ठीक है, तो इसमें ना जैसे मान लो हमने फिलेट कमांड की थी, फिलेट कमांड याद है ना सभी को, यस सर, याद है। फिलेट कमांड क्या काम करती है? सर कॉर्नर को राउंड बनाती है। हाँ, कॉर्नर को राउंड। मतलब अगर आप चाहते हो कि जो आपके पास जो रेक्टेंगल बने वो ऑलरेडी से ही उसके जो कॉर्नर हो उन पे फिलेट लगी हुई हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से फिलेट को सिलेक्ट कर सकते हो और फिलेट में उसकी वैल्यू टाइप कर सकते हो कि कितने आपको फिलेट चाहिए। मान लो मुझे 6 की फिलेट चाहिए, मैंने एंटर किया 6 की फिलेट, और अब मैं रेक्टेंगल को बनाना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा उसके कॉर्नर पर वो ऑलरेडी 6 की फिलेट रहेगी हर एक कॉर्नर पर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप मतलब अगर आपको चारों कॉर्नर पर सेम टाइप की फिलेट चाहिए और एक रेक्टेंगल आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट से वहीं पर आप फिलेट लगा सकते हो उसके साथ ही। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास थिकनेस का ऑप्शन आता है। अब फिलेट के, अब देखो अब जो भी आप रेक्टेंगल बनाओगे उसकी कोई ना कोई फिलेट होगी। ठीक है, अगर आपको इसको रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए आपको अगेन से फिलेट के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो 0 करना है, एंटर करोगे। अब ऐसे ही थिकनेस का ऑप्शन है कि थिकनेस आपके पास कितनी होगी, तो यहाँ से मैं थिकनेस रख लेता हूँ, मान लो मुझे 3 या 3 की थिकनेस चाहिए, एंटर किया और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया इस तरह से। तो यानी अब इसकी थिकनेस का मतलब इसकी मोटाई, इसकी मोटाई अब वो आपको दिखती है। अब देखो यहाँ से हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ 2D व्यू ही इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें आइसोमेट्रिक व्यू में जाना पड़ता है। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन होता है टॉप और जहाँ पर 2D वायरफ्रेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली व्यू कंट्रोल्स होता है हमारे पास ये, यानी व्यू को कंट्रोल करने के काम आता है। तो यहाँ से आपके ये टॉप के अंदर आना है और टॉप के अंदर जैसे ही आओगे ना यहाँ पर देखो आइसोमेट्रिक व्यू गिवन रहता है आपके पास। ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू है, साउथ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ वेस्ट का है। तो यहाँ से आपको साउथ वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करोगे तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको शो करेगा और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली उसकी जो जेट की हाइट है वो देख सकते हैं, यानी उसकी जो थिकनेस है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें हमने क्या किया था, थिकनेस प्रोवाइड की थी 3 की, तो सिर्फ उसकी थिकनेस है, बाकी जो भी हमने रेक्टेंगल बनाया है वो आपके नॉर्मल है विदाउट थिकनेस के। ठीक है, तो अगर आपको थिकनेस प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वहां से रेक्टेंगल की कमांड में जाके उसकी थिकनेस को आप दे सकते हो। और इसके लिए हम अगेन से टॉप पर आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर जाएंगे और थिकनेस को यहाँ से 0 कर लेंगे, एंटर। उसी तरह थिकनेस के साथ साथ उसकी विड्थ आती है। विड्थ होती है आपकी जो रेक्टेंगल है उसके लाइनों की मोटाई बेसिकली। ठीक है, तो अगर वो भी आपको रखना है तो विड्थ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मान लो मुझे 2 की विड्थ चाहिए, एंटर करोगे। अब यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो उसने रेक्टेंगल बनाया है, ये देखो जो उसकी जो विड्थ है, लाइनों की जो मोटाई है, उसने 2 की विड्थ उसने बनाई हुई है वहां पर। तो इसी तरह आप यहाँ पर कम भी कर सकते हो, उसको ज्यादा रखना है तो आप ज्यादा विड्थ भी आप दे सकते हो, अगर उसकी मोटाई आपकी जो लाइनें होती हैं या उसके जो एज होते हैं उसमें आपको थिकनेस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगेन हम विड्थ के अंदर जाएंगे और ये इसको हम 0 कर लेंगे, एंटर कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद साथ में आपके एक चैम्फर का भी ऑप्शन है, चैम्फर भी वो साथ के साथ कर लेता है। चैम्फर किया है हमने, चैम्फर की कमांड की है? नो सर, नो नहीं सर, की, यस कर ली है? सर, आप कल करवाने वाले थे अच्छा, तो हमने लेकिन उसको सर नहीं किया था, बाद में छोड़ दिया था रेक्टेंगल आपने फिलहाल। करवाया नहीं था ना सर। हाँ, तो उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया था। चलो ठीक है, तो चैम्फर क्या होता है बेसिकली, आप पहले मैं आपको चैम्फर बता देता हूँ कि कोई भी आपके पास ये होता है, मान लो मेरे पास रेक्टेंगल होता है। अब हमने पढ़ा था कि फिलेट के अंदर क्या करता है, कॉर्नर को राउंड कर देता है। ठीक है, किंतु चैम्फर में वो क्या करता है, उसको एक लाइन के अकॉर्डिंग कट करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक उसने इसको कट करना है, इस पोर्शन को मुझे कट करना है, मान लो ये लाइन है, अब ये पोर्शन यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन मुझे इस कॉर्नर को काटना है किसी एक लाइन के अकॉर्डिंग, तो वो चीज आपके पास क्या कहलाती है, चैम्फर कहलाती है बेसिक। ठीक है, अब उसको लगाते कैसे हैं, वो आप यहाँ से आपके पास फिलेट के साथ ही चैम्फर की कमांड होती है, चैम्फर में आपको आना है। सेम आपका फिलेट की टाइप की तरह ही होता है, जैसे पॉलीलाइन का ऑप्शन, वो सेम ही वैसे काम करेगा जैसे फिलेट के अंदर उसने काम किया था कि अगर आपको चारों कॉर्नर पर सेम टाइप के चैम्फर चाहिए तो हम यहाँ से पॉलीलाइन का हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंस है वो किस में है, आपका पॉलीलाइन और डिस्टेंस में है, यानी आपको चैम्फर आप दो तरीके, सॉरी पॉलीलाइन में नहीं, डिस्टेंस और एंगल में है। इसमें जो आप चैम्फर लगाओगे वो आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो आपके पास जो चैम्फर दिया होगा वो एंगल के थ्रू दिया हो या फिर वो पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ हो।
ठीक है, जैसे मान लो इस कॉर्नर में हमें मुझे चैम्फर लगाना है जो इस लाइन पर 8 का रहेगा और इस लाइन पर 10 का रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से डिस्टेंस में जाओगे और यहाँ से फर्स्ट जो चैम्फर डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर 8 रखेंगे, एंटर करना है, और सेकंड जो चैम्फर है वो 10 रखना है, एंटर करना है। उसके बाद जो भी हमने फर्स्ट चैम्फर दिया है, जैसे हमने दिया था 8 का, तो 8 का जिस लाइन पर चाहिए उस लाइन को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। मान लो अगर मुझे 8 का यहाँ इस लाइन पर चाहिए होता तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करता, किंतु हमें इस लाइन पर चाहिए तो इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सेकंड लाइन को आप सिलेक्ट करोगे। ये चाहे फर्स्ट और उसके बाद ये सेकंड, इस सेकंड लाइन को मैं सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो वो क्या कर रहा है, उस कॉर्नर को रिमूव कर रहा है। अब यानी इसका जो डिस्टेंस होगा, यानी इसने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया है वो 8 का होगा। अगर हम मेजर भी करते हैं इस पॉइंट के थ्रू, ये जो डिस्टेंस रहेगा आपके पास 8 का है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस उसने रिमूव किया है वो आपके पास कितने का होगा, 10 का होगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास चैम्फर था। बाकी जितने भी इसके ऑप्शन है यहाँ पर, मान लो ये तो हमारे पास अलग अलग लेंथ आपको रखना है, अगर सेम टाइप की लेंथ है तब भी हम इसका डिस्टेंस पे ही यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे 10 के रखने हैं, तो यहाँ से 10 फर्स्ट चैम्फर होगा, एंटर, और 10 ही मेरे पास सेकंड चैम्फर होगा। अब कोई भी दो कॉर्नर आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वहां पर वो क्या करेगा, उनमें 10-10 का चैम्फर लगा देगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर जैसे मान लो अब ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से 10 का हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास 10 का हो जाएगा, और इसी तरह आपके पास क्या गया, जैसे हम यहाँ पर चैम्फर की कमांड लेते हैं तो आगे ये ऑप्शन आपके पास जो मल्टीपल का है वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चैम्फर लगाने के बाद भी वो कमांड को क्या कर रहा है, एस्केप कर रहा है। अगर आपको बार बार चैम्फर की कमांड का यूज करना है, यानी हर जगह आपको सेम टाइप का चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चैम्फर की कमांड को लगा सकते हैं, मल्टीपल का जो ऑप्शन है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो पॉलीलाइन का ऑप्शन है, अब अगर आपने ऑब्जेक्ट हमारा रेक्टेंगल बेसिकली होता तो एक तरह से पॉलीलाइन ही है वो, ठीक है। तो अगर सेम हर एक कॉर्नर पर आपको सेम टाइप का चैम्फर चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, पॉलीलाइन के ऑप्शन को भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, क्लियर। अब इसमें एक चीज और रहेगी, चैम्फर के अंदर ही एक डिस्टेंस, ये हमारा एंगल का जो ऑप्शन है वो रह गया। मान लो किसी एंगल के, कई बार क्या होता है ना, हमें ड्राइंग्स में ना एक चैम्फर दिया होता है जो आपके पास होगा कुछ इस तरह से होगा, मान लो 10 × 45 degree, या फिर वो बोल देगा कि 8 × 45 degree, कुछ इस तरह से एंगल के साथ, या 8 × 30 degree, कुछ इस तरह से एंगल के साथ वो चैम्फर दे के रखता है। तो जहां पर भी एंगल दिया हो साथ में, तब हम क्या करते हैं, चैम्फर पर जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल का ऑप्शन है उसके थ्रू हम चैम्फर को लगाएंगे। आपको सिंपली एंगल पर क्लिक करना है, और सबसे पहले उसकी जो लेंथ है, लेंथ मान लो मुझे 8 का लगाना था तो आपको 8 प्रोवाइड कराना है, उसके बाद एंटर करना है, और उसके बाद आपको एंगल, जितना भी एंगल आपको, जैसे मान लो 45 है तो यहाँ से 45 के एंटर करना है, और उसके बाद किन्हीं भी दो लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक लाइन मेरे पास यहाँ से हो जाएगी और एक लाइन यहाँ से हो जाएगी, तो जैसे भी आप यहाँ पर लगाओगे तो क्या करेगा, वहां पर एक चैम्फर लगा देगा जो आपके पास लगभग 8 का होगा, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस 8 का होगा और साथ के साथ ये डिस्टेंस भी 8 का होगा, और जो एंगल बनाएगा इसके साथ वो 45 डिग्री का बनाएगा। जैसे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, अब यहाँ से आप एंगल मेजर करोगे इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, जो एंगल रहेगा आपके पास 45 डिग्री का होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये फिर एक बार रिपीट करना है, एंगल वाला, एंगल वाला दोबारा रिपीट करो। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये ड्राइंग्स है, यहाँ पर ड्राइंग्स है, तो यहाँ पर ना नोटेशंस लिखी रहती है, यहाँ पर वो नोट लिख देगा कि आपको एक चैम्फर बनाना है, और उसके ऊपर लिखा रहेगा 10 × मल्टीप्लाई में लिख के रखता है, मान लो 10 × 45 degree या 10 × 30 degree, एंगल दे देगा मतलब एक तरह से। तो उसमें जो सबसे पहले जो लेंथ दी है उसने, मान लो जो 8 का यूज कर रहा है या वो 10 का यूज कर रहा है, वो होता है आपका डिस्टेंस होता है दोनों का, और वो दोनों डिस्टेंस मतलब उस लाइन का दोनों का डिस्टेंस वो सेम रहेगा। मान लो अगर वो 10 की बात कर रहा है तो 10 का डिस्टेंस यहाँ से होगा और 10 का डिस्टेंस यहाँ से होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। अगर एंगल साथ में दिया तो हम एंगल का यूज करेंगे, उसके लिए आप चैम्फर में जाओगे और यहाँ पर देखो डिस्टेंस के थ्रू हमें नहीं लगाना है, हमें एंगल के थ्रू लगाना है, तो आप एंगल को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से हम एंगल को सिलेक्ट करेंगे, एंगल को सिलेक्ट करने के बाद आपसे लेंथ पूछता है, तो जितने भी आपके पास लेंथ होगी, मान लो 10 की थी तो यहाँ से मैं 10 टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, और ये चीज करने के बाद अब उसके बाद वो पूछता है एंगल, एंगल कितने का लगाना है, तो आप एंगल टाइप करोगे, मान लो 45 है तो यहाँ से 45 टाइप किया और लाइन को सिलेक्ट कर लिया दो लाइनों, तो उनमें वो क्या करेगा, उनके बीच में डिस्टेंस लगा देगा इस तरह से, ठीक है, जो आपके पास 10-10 का होगा और साथ में 45 डिग्री का, उसके बाद चैम्फर भी होगा, मतलब वहां पर एंगल। अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करता हूँ यहाँ से, तो ये भी 10 का होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस भी आपके पास 10 का होगा, और उनके बीच का जो एंगल रहेगा आपके पास क्या रहेगा, 45 डिग्री का रहेगा, ठीक है।
तो ये थे भाई आपका, ये तो चैम्फर की कमांड थी, और साथ में इसी तरह फिर आपका यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कि रेक्टेंगल जब भी हम यूज करते हैं तो आपको ना चैम्फर की कमांड दी रहती है। तो अगर आपको हर कॉर्नर पर सेम टाइप का चैम्फर चाहिए, जैसे मान लो मुझे चैम्फर लगाना है, तो ये डिस्टेंस पूछता है कितने वायर, कितने का चैम्फर लगाना, मान लो मुझे 10 का ही लगाना है, एंटर किया और यहाँ से सेकंड डिस्टेंस भी है वो 10 का लगाया, एंटर किया, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो हर एक कॉर्नर पर क्या करेगा, चैम्फर लगाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उसके हर एक जो भी आपने रेक्टेंगल लगाया है वहां पर आपके पास हर एक कॉर्नर पर 10 का चैम्फर होगा। ठीक है, इसको हटाना है तो यहाँ से चैम्फर को हम जीरो कर सेलेक्ट करके किया था पहले आपने फिर। हाँ जी सर, पॉलीलाइन सेलेक्ट करके फिर डिस्टेंस किया आपने यहाँ पर। नहीं, मैंने पॉलीलाइन नहीं सिलेक्ट किया, मैंने रेक्टेंगल की कमांड को सिलेक्ट किया ओके यहाँ, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा ना आपके पास ऑप्शन ये। जैसे मैं रेक्टेंगल की कमांड को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके साथ ही आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे सबसे पहला तो ऑप्शन वही आता है कि आप रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट करो, तो वो फर्स्ट पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी। उसके अलावा कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं कि आपको उसके साथ साथ चैम्फर भी चाहिए, फिलेट भी अगर आप लगाना चाहो, उसकी थिकनेस आपको रखनी है, उसकी विड्थ आपको रखनी है, उसके साथ ही आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है आपका एलिवेशन का, देखो ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, एलिवेशन क्या होता है बेसिकली, एलिवेशन होता है कि आपको आपका जो चैम्फर है वो आप जिस भी प्लेन पे काम कर रहे हो उससे ऊपर की तरफ उठाना है, यानी जेड की डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, बेसिकली जेड के प्लेन पर आप काम कर रहे हो उससे ऊपर प्लेन पर चाहिए, तब हम एलिवेशन का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यही ड्राइंग सा ले लेते हैं, मान लो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, कौन सा है ये जो रेक्टेंगल रहेगा मेरे पास जिसकी थिकनेस हमने इंक्रीज की हुई है, ये रेक्टेंगल की बात करते हैं। अब इसमें ना मैं यहाँ से रेक्टेंगल लगाता हूँ, एलिवेशन दे देता हूँ, मान लो मैंने दे दिया 20 का एलिवेशन, एंटर, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लिया ऐसे। ठीक है, दोबारा मैंने एक रेक्टेंगल लगाया, एलिवेशन मैंने दोबारा दे दिया, अब एलिवेशन रखते हैं 50, एंटर, और एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया यहाँ पर। तो देखो टॉप से हमें देखने पर नहीं मिलेगा क्योंकि जो जेड की डायरेक्शन है वो आपको आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर दिखाई देगी, तो हम आइसोमेट्रिक व्यू में हम यहाँ से भी जाते हैं। देखो यहाँ पर साइड में आपके पास एक व्यू क्यूब होता है, इसको हम व्यू क्यूब बोलते हैं, इसके अगर यहाँ पर कॉर्नर पर मैं टॉप के साथ क्लिक करता हूँ तो वो आइसोमेट्रिक व्यू ही आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी हमने, अगर मैंने फर्स्ट एलिवेशन दिया था तो क्या था, ये मेरे पास पहले प्लेन पर ही वो मेरा रेक्टेंगल बना हुआ था, किंतु जैसे मैंने 10 का एलिवेशन दिया तो उसने उस प्लेन से 10 ऊपर की तरफ उस रेक्टेंगल को बनाया जो मैंने सेकंड रेक्टेंगल बनाया था। ठीक है, और जो मैंने थर्ड रेक्टेंगल बनाया था 50 एलिवेशन पर, यानी उस सरफेस से, यानी जो आपकी स्टार्टिंग सरफेस थी उससे 50 ऊपर डिस्टेंस पर उसने क्या किया है, उस रेक्टेंगल को बनाया है। तो इस तरह से अगर आपको एलिवेशन देना है अपने रेक्टेंगल के अंदर, यानी एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर आपको रेक्टेंगल बनाना है उसके ऊपर ही, तब आप किसका यूज कर सकते हो, एलिवेशन कमांड का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो फिर लेयर ही होगी ना। हाँ, एक तरह से लेयर, मतलब ये आपका काम होगा 3D के अंदर जब हम काम करेंगे, क्योंकि 3D में जो आपके पास ऑब्जेक्ट रहते हैं वो सिंपल एक ही उस पर नहीं रहते, मतलब एक प्लेन पर काम नहीं, वो अलग अलग प्लेन पर होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से, मतलब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल की कमांड, रेक्टेंगल की कमांड तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब रेक्टेंगल के साथ ही हमारे पास यहाँ पर जैसे आप नीचे की तरफ आओगे हमारे पास ऑप्शंस मिलता है आपको एलिप्स का। ठीक है, तो तीन तरह के एलिप्स, मतलब तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जो हम एलिप्स को हम लगा सकते हैं इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला आता है सेंटर के थ्रू हम लगा सकते हैं उसको, एक्सिस एंड के थ्रू हम लगा सकते हैं, और एलिप्टिकल आर्क है, यानी जैसे हमारे पास सर्कल के अंदर आर्क होती है ना, तो इसके अंदर ही आपके पास एलिप्टिकल आर्क भी होती है। अगर आपको कंप्लीट एलिप्स नहीं चाहिए, उसका कुछ पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए हम बेसिकली एलिप्टिकल जो आर्क है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी एलिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले मान लो यहाँ पर हमारे पास सेंटर के थ्रू हम बना रहे हैं, तो आपके पास कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर, मान लो मेरे पास एक एलिप्स ही दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन आप मेजर कर लो, यहाँ से स्क्रीन पर मेजर बना लेते हैं पहले इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो मान लो यहाँ से ना कुछ इस तरह से मेरे पास क्या दिया हुआ है, और इसका कलर ना सेम होगा, इसको वाइट रखते हैं, कुछ इस तरह का आपके पास क्या हो गया, एलिप्स हो जाएगा भैया। ये मेरे आपके पास एलिप्स है जिसका यहाँ से लेके सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है वो कुछ भी लगा लो आप, यहाँ से मान लो 35 का है, ये मेरे पास 35 है, और इसी तरह जो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास 20 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप का आपको एलिप्स लगाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो एलिप्स की कमांड में आप आओगे
तो एलिप्स में ना यहाँ पर सबसे पहले हम जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो सेंटर के थ्रू लगा रहे हैं इसको सेंटर। तो यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंटर पॉइंट डिफाइन करोगे कि कहाँ पर आपको एलिप्स को लगाना है। तो मान लो मुझे यहाँ से एलिप्स को स्टार्ट करना है। अब एलिप्स में ना एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप ना ऑर्थो मोड को ऑन रखा करो। उससे क्या होगा, आपकी जो भी एक्सिस लोगे वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। वरना अगर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर आकर आपके पास लाइन लगती है तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मान लो अब ये एक्सिस है, मान लो अब देखो इसके अंदर जो भी एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस कौन सी कहलाएगी, उसकी मेजर एक्सिस कहलाएगी, जहाँ पर ये 35 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज लगानी है, तो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और वैल्यू हम देंगे उसका 35, एंटर करना है। अब ये चीज लगाने के बाद देखो उसने क्या किया, यहाँ पर एक एलिप्स बनाया, मतलब यहाँ सेंटर से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो 35 रहेगा। अब ऐसे ही आपको अगर मैं माइनर एक्सिस लगाऊंगा तो हमारे कितनी चाहिए, 20 चाहिए, तो यहाँ से 20 आप टाइप करोगे। तो इस टाइप का आप क्या कर सकते हो, वहां पर एलिप्स को बना सकते हो, ठीक है। अब इसका मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ, तो यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 35 होगा, और यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस होगा, सॉरी ये हम कर लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट का और यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा, 20 का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिप्स को बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर, दूसरा ऑप्शन आता है एक एक्सिस एंड के थ्रू आता है। एक्सिस एंड क्या होता है कि फर्स्ट जो पॉइंट आप लगा रहे हो यहाँ पर, तो उसने जो स्टार्ट किया था उसके सेंटर से स्टार्ट करता है, किंतु अब जो आप पॉइंट दोगे उसका एक एक्सिस दोगे, मान लो या तो ये पॉइंट होगा या फिर वो ये पॉइंट हो सकता है, या ये पॉइंट होगा या फिर ये पॉइंट हो सकता है। तो जैसे मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ से ये पॉइंट दिया और इस डायरेक्शन में मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मान लो मुझे मैंने 35 ही रख लिया, एंटर किया, तो यहाँ से उसने फर्स्ट जो पॉइंट है वो उसके एक्सिस से लगाया है, यानी जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो 35 है, और दूसरा डिस्टेंस वो सेंटर से ही उठाता है। अब मान लो यहाँ पर मुझे 20 रखना था, तो वो हम 20 ही रखते हैं, एंटर करेंगे, तो इस तरह का बनेगा भाई आपके पास एलिप्स। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, वो क्यों है, क्योंकि इसका जो टोटल डिस्टेंस उसने मेजर किया है वो यहाँ से किया है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक वो आपका टोटल 35 है, जबकि उसमें वो सेंटर से 35 था, बाकी जो सेकंड डिस्टेंस उसने उठाया है वो उसके सेंटर से ही उठाया है, यहाँ से यहाँ तक उसने 20 उठाया उस चीज को, ठीक है। तो एक्सिस एंड में जब भी आप एक्सिस एंड के थ्रू बनाते हैं तो पहले याद रखते हैं वो चीज की, पहले उसका वो फर्स्ट एक्सिस उठाएगा कि जो भी एक्सिस में जा रहे हो, चाहे आप मेजर एक्सिस में लगा रहे हो, चाहे आप उसको माइनर एक्सिस में आप उसको लगा रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर होता है आपके पास एलिप्टिकल आर्क आती है। अब एलिप्टिकल आर्क यानी हमें क्या करना है, कंप्लीट सर्कल आपको नहीं चाहिए, उसका कुछ आर्क या कुछ पोर्शन आपको लगाना है, ठीक है। तो एलिप्टिकल आर्क हम यूज कर सकते हैं, उससे पहले आपको वही उसका पूरा सेंटर डिफाइन, मतलब पूरा एक एलिप्स डिफाइन करना पड़ेगा कि जिस भी पाथ पर आप चल रहे हो। जैसे मैंने यहाँ से सेंटर से मैंने उठाया, उसके बाद ये पॉइंट दे दिया मैंने, यहाँ पर मैं 35 रख लेता हूँ, उसके बाद ये जो डिस्टेंस दिया वो मैं 20 रख लेता हूँ, एंटर। सेम टाइप का, मतलब जो मेरे पास ये था मैंने सेम इसी टाइप का बनाया, और यहाँ पर अब इसमें स्टार्ट एंगल यानी आपके पास जो आप आर्क है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, इस पाथ पर कहाँ से आपको आर्क चाहिए, मान लो मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है तो उसको एरिया को कट कर देगा, फिर वहां से वो आर्क लगाना स्टार्ट कर देगा वाले, ठीक है, उसी पाथ पर। अब जहां तक आपको चाहिए, मान लो मुझे यहाँ तक रखनी है, तो वहां पर आप क्लिक करोगे और वहां पर एक एलिप्टिकल आर्क वो लगा देगा, ठीक है। तो ये था हमारा एलिप्स था, इसमें हमें रेक्टेंगल और एलिप्स दोनों कमांड आपके पास क्लियर हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर ना एक लास्ट कमांड बचती है, ये भी हम कर लेते हैं, हैच की कमांड है, ठीक है। अब हैच का यूज पता है ना, क्यों करते हैं सर? हाँ जी हाँ जी सर, वो बताना सर, रेक्टेंगुलर पे सर आपने आर्मेचर को रिमूव करने के लिए क्या करना था सर? रेक्टेंगल में किसको रिमूव करने के लिए? चैम्फर को सर। अच्छा, चैम्फर को रिमूव करना है वापसी, मतलब चैम्फर लगाना है सर? वो चैम्फर लगा के, मतलब आप बोल रहे थे ना चैम्फर लगाना, मतलब बाद में रिमूव करना हो तो क्या करेंगे उसके लिए? बाद में रिमूव करना है तो उसकी वैल्यू को जीरो कर देना वहां पर आप। मान लो जैसे मैंने चैम्फर लगा, अब यहाँ पर देखो मेरे पास कोई भी चैम्फर नहीं है, ये देखो जीरो जीरो का डिस्टेंस है, जैसे हम पहले हर एक कमांड में करते आए हैं। मान लो मैंने फिलेट लगाई थी, फिलेट में हमने क्या किया था, मान लो 5 की रेडियस दी थी, एंटर, और यहाँ से अब मैं जितने भी रेक्टेंगल लगाऊंगा वो क्या हो गए, उसकी हर एक पर 5 की फिलेट देगा। मान लो इवनली कोई मैं नया रेक्टेंगल लगा रहा हूँ और उसकी अगर मैं लेंथ के थ्रू भी, यहाँ से मैं डायमेंशंस के थ्रू भी बनाऊँ कि डायमेंशंस मेरे पास 25 का होगा या फिर विड्थ मेरे पास 40 की होगी, तो उस पर भी वो क्या करेगा, ऑलरेडी 25 और 40 पर भी वो क्या करेगा, फिलेट लगा के रखेगा, ठीक है। अगर देखो अब मुझे इसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फिलेट के अंदर जाएंगे, यानी पहले तो रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव की, उसके बाद फिलेट में जाएंगे और उसको जीरो कर देंगे, और एक में ऐसे किया ना हमने, एंटर कर देंगे। ऐसे ही चैम्फर के अंदर, अगर आपने कोई चैम्फर लगाया हुआ है तो उसको आपको जीरो करना है,
तो तब आप दोबारा से कोई भी रेक्टेंगल बनाते हो तो आपका नॉर्मल से रेक्टेंगल, ठीक है? ठीक है सर। तो ये थी भाई आपका चैम्फर, और ये था आपका आज के लिए, इतना ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट जो बचेगा आपका हैच बचेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको। अच्छा हैच बताओ बेसिकली वैसे किसके लिए यूज करते हैं, जस्ट वो देख लेते हैं। हैच हम क्यों यूज करेंगे सर? किसी भी एरिया को फिल करने के लिए।